बाबा मुरली में बोले अंत समय जब बाप में वरी जाएंगे उन पे बाप वरी है? अभी आपने कहा कि अंत समय बाप पे वरना ही अच्छा है। अंत समय बाप पे जो वरेंगे बाप की क्या करना है? अंत समय जो बाप पे वरेंगे उन पे बाप वरी जाएंगे। वारी जाएंगे माने अर्पण हो जाएंगे। अंत समय अर्पण होना अच्छा है ऐसा बोले। अभी हम बाप के ऊपर वारी जावेंगे फिर अंत में बाप हमारी सुरक्षा करेंगे। वारी जावेंगे माने अर्पण में हो करके हमारी सुरक्षा करेंगे। अकलमंद अकल जो है वो बुलंद हो जाती है तो कहते हैं अकलमंद। मंद अकल वाले नहीं रहेंगे। अकल माने बुद्धि। और बाबा चांद तारे इतना नीचे क्यों गिर जाते हैं? इस रविवार को हम देखे थे कि चांद तारा ऊपर रहता है लेकिन चांद ऊपर था तारा नीचे था। सभी सितारे चलते फिरते रहते हैं। कभी कोई ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं कभी दाएं होते हैं कभी बाएं होते हैं। और सितारे जब टूटते हैं तो नीचे ही गिरते हैं। टूटने के बाद कोई सितारा ऊपर थोड़े ही जाता है। और शास्त्रों में जो है 1980 में दिसंबर का मंथ हो जाएगा उसके बारे में आप जानना चाहते? क्या बारे में जानना चाहते? क्या मत कर उनकी 14वीं सदी खत्म हो गई। 14वीं सदी जो मोहम्मद साहब से लेकर के उन्होंने हिजरी संवत शुरू किया था उसकी तबारी 1400 साल की है। वो 1980 में खत्म हो जाती है। उसके बाद वो कयामत मानते हैं कि कयामत का टाइम है। बाबा आज की मुरली में आया सन्यासियों ने विदेशियों को खड़खड़ाते चमड़े डालकर समझाया। जो विदेशियों ने कभी कभी आक्रमण किए हैं भारत के ऊपर तो यहाँ जंगलों को क्रॉस करते समय उन्हें कभी कभी सन्यासियों से भेंटा हो गया। वो सन्यासी उल्टे होकर कहीं लटकते हैं कहीं तपस्या करते हुए मिलते हैं तो उनसे बातचीत भी हो गई। उन्होंने उन सन्यासियों को दिव्य आत्मा समझ करके उनसे ज्ञान लेना चाहा तो सन्यासियों ने उनकी हंसी उड़ाई। तो क्या आप विश्व विजय करने निकला है? मनुष्य कभी भी विश्व विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तुम्हारा वही हाल हो ना जैसे इस चमड़े का है। एक तरफ दबाओगे तो दूसरा उठ जाएगा, दूसरा कोना दबाओगे तो तीसरा कोना उठ जाएगा। सारे विश्व के ऊपर कोई राजाई कर ही नहीं सकता। सारे विश्व के ऊपर राजाई तो अहिंसा से ही हो सकती है, हिंसा के आधार पर नहीं हो सकती। हिंसा से प्रतिहिंसा और बढ़ती है, वो शांत नहीं होती है। और प्योरिटी को अहिंसा कहते हैं। प्योरिटी भी अहिंसा है। लंबा लंबा प्रश्न नहीं पूछो, छोटा छोटा करके पूछो। तुम्हारा ये पढ़ने में ही टाइम लग जाएगा। बाप सुमन बनना ही है, बाप सुमन बनाना ही है। और बाप सुमन बनने का जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाधा दूर करने का
इसी बारे में है, सबको बाप समान बनना ही है। बाप समान बनना है, बाप क्या है, बाप समान क्या है, बाप है क्या, और बाप कौन से बाप समान बनना है, एक है साकार और एक है निराकार, कौन से समान बनना है। पहले तो ये जानना पड़े कि हमें कौन से बाप समान बनना है। शिव बाबा समान बनना है, माने साकार में निराकार समान बनना है। ब्रह्मा बाप समान नहीं बनना है, कैसा बनना है, ऐसा बनना है जो साकार में भी रहे और सदैव निराकारी स्टेज में रहे, दूसरा कोई संकल्प हमारे में प्रवेश न कर सके, तो बाप समान हो जाएंगे। और जो जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो दूर करने का, आकर्षण हमारे ऊपर काम ही नहीं करेगा, वो तब तक काम कर रहा है जब तक 63 जन्मों का हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब पूरा होगा, हमारी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी, तो कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित नहीं कर सकता। याद की यात्रा से बोले, याद की यात्रा है, याद तो बापों का नहीं है, यात्रा बुद्धि को ले जाना पड़ता है ना बाप के पास तक, तो एक विश्व का ठिकाना है ना, है बाबा का ठिकाना है, बाबा का एक ठिकाना है, ठिकाना है बुद्धि को बाप का ठिकाना है। हाँ, बाप ही हमारा ठिकाना है, बुद्धि इधर उधर तक जाएगी नहीं तो यात्रा को जाएगी कैसे, वो तभी तक जाएगी जब तक हमारे 63 जन्मों का हिसाब किताब है, फिर बुद्धि स्थिर हो जाएगी। बुद्धि को हमने 63 जन्मों में जहाँ जहाँ भटकाया है, जहाँ जहाँ चिपकाया है, वो हमको बार बार आकर्षित करते हैं। वो हिसाब किताब पूरा होगा, हमारी बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। और थोड़े कान बड़े कर लो, एक तो खड़े हो जाओ तो लोगों कॉन्सेंट्रेशन, कान बांध ले लगा लें। रहने के लिए तो नहीं चाहिए, और सब धंधों में है नुकसान, सो कहाँ ले जाएंगे, चाहे बिजनेस हो चाहे कोई भी धंधा हो, सब धंधों में है नुकसान, कहाँ ले जाएंगे। यतम तो पेट के लिए तो धंधा करना चाहिए, पेट के लिए माना जो सरेंडर्ड होकर के ईश्वरीय धंधा कर रहे हैं, वो पेट में कुछ भी नहीं खाते हैं, हैं? फिर क्या दरकार है, ये कहो खीर पूड़ी चाहिए, माल मर्तबा चाहिए, मनमाना भोजन चाहिए, भोग चाहिए ना, हैं? मिट्टी का तय वो फल देंगे तो मिट्टी के करना चाहते हैं, बोला जो खाना कोई तुम भाइयों से पढ़ाई पढ़ते हो या मुरली से पढ़ाई पढ़ते हो,
किससे पढ़ाई पढ़ते हो? है? तो तुम भाइयों की बात क्यों करते हो? क्यों पूछा भाइयों से? है? आपके भाई ने आपसे पूछा? हाँ, तो बाबा तो कहते हैं, तो नया नया भाई है, ये मुरलियाँ सुनी भी नहीं है पूरी। बाबा ने तो साफ बता दिया, सब धंधों में है नुकसान, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ज्यादा ही धंधे धोरी में फंसे रहेंगे तो आखिरी में सब सारा ही बंटा डार होगा, तो दिमाग फेल हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएंगे, आगे चल के ढेर लोगों के हार्ट फेल होने वाले हैं। अभी ढेर ढेर कारखाने और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग वगैरह बनाते चले जा रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाते चले जा रहे हैं, आखिरी सब खलास हो जाना है। और एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होता रहेगा। और धंधा दोरी कैसे करेंगे? बाबा हिलाएगा ना सब पत्तों को, यही धंधा दोरी चलेगा। ईश्वरी धंधा, ईश्वरी धंधे में ही सारे पत्तों को हिलाता रहेगा। जैसे हेविन नाम पड़ा तो इनके ऊपर जब जीत पा लेते हैं हम, हेविन पड़ा, जैसे हेल की हेल नाम जो पड़ा, जो हेल वाले हैं वो तो इसी दुनिया को चाहेंगे या नई दुनिया को चाहते हैं? तो वही तो कह रहे हैं, है जो अभी है वो ला, क्या ला? जो दुनिया में है वो ही ला, हमें वो ही चाहिए। नाली का कीड़े को क्या चाहिए? हैं? नाली ही चाहिए, और साफ सुथरे स्थान पे निकाल के रख दो, बिलबिला के खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी जिसका मनसा बाचा कर्मेंद्रिय पवित्र नहीं होता है तो उसके लिए संगम जीव कब आएगा? जब पवित्र हो जाएगा तब आएगा। कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग तब है जब सबका कल्याण हो जाना शुरू हो जाता है।
अभी किसी का भी कल्याण हो रहा है, किसी का कल्याण शुरू हो गया हो तो हाथ उठाओ, ये तो कोई नहीं हाथ उठा रहे। अभी कोई का भी कल्याण शुरू हो गया है तो कल्याणकारी संगम युग वास्तव में है ही नहीं। है तो उनके लिए है जो सदैव खुशी में रहते हैं। अब वो नंबरवार हैं बहुत थोड़े, पांच पांडव, वो मनसा वाचा कल्याण में लगे रहते होंगे। और जोर से बोलो, बोले कि शिवा ने प्रभु की माता का आधार लिया है, वेद में ही तो बताया, हद में थोड़ा ही बताया, वेद में ही तो बताया कि संसार का नया निर्माण करने के लिए, नव निर्माण करने के लिए प्रकृति का आधार लेना पड़े। अगर प्रकृति का आधार नहीं लेंगे तो ज्ञान भी नहीं सुना सकते, कर्म भी नहीं करके दिखा सकते, कोई पार्ट ही नहीं बजा सकते। पूछ किसे कहा जाता है, है? हाँ, बेहद का पूछ है, दे अभिमान तो कन्याओं माताओं को फॉलो करना पड़े कि नहीं करना पड़े। अभी पुरुष जो है वो कन्याओं माताओं को फॉलो कर रहे हैं या अपने पीछे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है? अपने पीछे चलाने की कोशिश करते हैं। हमारी पूछ पकड़ो तुम, ये उल्टा हो जाता है। अभी शिव बाबा आया हुआ है तो शक्तियां हैं, शिव बाबा की शक्तियां, उन शक्तियों को फॉलो करना पड़ेगा। अगर कल्याण चाहते हैं तो शिव बाबा ने ही प्रकृति का आधार ले लिया, तो हम कौन बड़ी चीज है। शिव को फॉलो करने वालों में अव्वल नंबर कौन है, है? अरे शिव को फॉलो करने वालों में अव्वल नंबर नाम किसका है, शंकर का। तो जो शंकर है महाकाल कहा जाता है वो तो किसको फॉलो करता है, महाकाली को। महाकाली जब आगे बढ़ती है अपना कार्य करने के लिए चुपचाप शांत होके लेट जाता है, शांत रहने में ही फायदा है, हमारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, हो जाने दो, नहीं तो हमको बहुत मेहनत है। और बेसिक में शरीर छोड़ते हैं, वहाँ भी देहबान रह जाता है, वहाँ भी भक्ति मार्ग के कर्मकांड बुद्धि में रह जाते हैं,
ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठता है, इसलिए सही छोड़ना पड़ता है। भक्ति मार्ग के संस्कार रहेंगे और वो संस्कार 100% तीव्रता को पकड़ लेंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा, जन्म भी लेना पड़े है। वो अल्पकाले जिनकी मौत होती है, अकाले मौत, उनकी बात है, सब शरीर छोड़ने वालों की बात नहीं है। जिनका अकाले मौत होता है उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। हाँ जी, और बाबा ज्ञान भावना सेवा चार सब्जेक्ट है, तीन चार सब्जेक्ट को पढ़ने वाले चार कितने आत्मा है ना? ये चार सब्जेक्ट को पढ़ने वाले चार कितने आत्मा होते हैं? चार ज्ञान भावना सेवा ये चार सब्जेक्ट है, हाँ, तीन चार सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट को पढ़ने वाले के चार कितने आत्मा होते हैं ना? पढ़ने वाले चार चैतन्य आत्मा है, माने याद की सब्जेक्ट में जाने वाली एक अलग और ज्ञान के सब्जेक्ट में तीखी जाने वाली एक अलग। लेकिन नियम ये है जिसमें जितना जास्ती ज्ञान होगा वो उतना ही जास्ती गहरी याद कर सकेगा। ज्ञान गहराई तक नहीं होगा तो गहराई की याद नहीं आ सकती। और जिसमें 100% याद की ताकत होगी उसमें चारों ही सब्जेक्ट 100% आ जाएंगे। तो ये कोई नियम नहीं बनता है कि चार सब्जेक्ट हैं तो चारों सब्जेक्ट में, जैसे दुनिया में स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर लोग, तो ऐसे यहाँ स्पेशलिस्ट हैं एक एक सब्जेक्ट के, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, धारणा के लिए कहा जा सकता है कि जो आत्मा जन्म जन्मांतर की प्रैक्टिकल प्योरिटी की धारण करने वाली होगी उसे दिव्य गुणों की धारणा में कोई तकलीफ नहीं होगी। गहरी याद करने की भी दरकार नहीं है। जैसे विजयमाला की हेड, परंतु फिर भी दिव्य गुणों की गहराई का राज क्या है वो जानने के लिए एडवांस नॉलेज लेना जरूरी है। नहीं तो लक्ष्मी पद नहीं प्राप्त हो सकता। और घट माने घड़ा, उत्कच उत्त माने ऊपर, किसका बच्चा था? भीम का बच्चा था। भीम का पेट बहुत बड़ा होता है, इस बात की निशानी है, है? बुद्ध रूपी घड़ा बहुत बड़ा है और भोगने में भी बहुत आगे है, भयंकर कर्म करने में भी बहुत आगे है। इसलिए नाम पड़ता है भीम कर्मा ब्रकोदर है। जैसे भेड़िए की भूख बहुत भयंकर होती है, ऐसे भोग भोगने में
उसकी भूख बड़ी भयंकर होती है। कोई भी जानता है कि जो जितना भोगी होता है उतना ज्यादा भोजन खाने वाला भी होता है। तो ये बेहद के भोग भोगने की बात है। राक्षसों से मुकाबला करने के लिए राक्षस चाहिए और भीम का विवाह भी किसके साथ हुआ था? कोई देवी के साथ विवाह नहीं हुआ, कोई मानवी के साथ नहीं हुआ, किसके साथ हुआ था? राक्षसी के साथ। तो दोनों ही जब एक मेल हो जाए तो संतान पावरफुल पैदा होगी या कमजोर पैदा होगी? और ही पावरफुल संतान पैदा होती है। इसलिए नाम पड़ गया घटोत्कच। कच्चा ही चबा जाने वाला था। दुनिया में तो लोग बांस भून भून के खाते हैं, ऐसे भून भून के खाने की भी दरकार नहीं, सीधा ही लिया और कच कच कच। और आने नहीं देते? कोई बात नहीं, पहले आने देते थे। अभी भट्टी करने के बाद किसी ने उनके कान में मंत्र फूंक दिया ग्लानी का, अब वो नहीं आने देते हैं। तो कोई बात नहीं, मत आओ। आपको तो लक्ष्य मिल गया ना, क्या करना है? शिव बाबा को याद करना है। दूसरी दूसरी माताओं से आप VCD लेते रहिए, घर में सुनते रहिए। जब टाइम आवेगा तो जैसे यज्ञ के याद में जो भी बंधन में थी वो सब छूटेली हो गई अचानक, ऐसे ही कुछ होगा बवाल। और जिन कन्या माताओं के ऊपर बंधन डाले जा रहे हैं वो सब छूटेली हो जाएंगी। और बाबा नहीं बताते कौन सा किसका पार्ट है, ये बात बाबा नहीं बतावेंगे। एक एक का बैठ करके पार्ट बजावे बतावे, ये इसका पार्ट है वो उसका पार्ट है। हाँ इशारा देते हैं। कोई बात नहीं, कागज पर लिख के रखा करो। तो कोई संगी साथी को बता के रखो।
वो सभा में आकर के आपको याद दिला देगा। और शिवलिंग है जो भी हेल्प हुई है कहा जाता है आठवन में बड़ा आठवन में तो वही माँ कहते हैं शिवलिंग जो भी हेल्प हुई है अरे थोड़ा जोर से बोलो जी ये पास वाले सुन पाए। सबसे पुराने से पुराने मंदिर शिवलिंग है वो भी वैल्यू नहीं है। सबसे पुराना मंदिर शिव का है शिवलिंग का है लेकिन वैल्यू नहीं है उनका वैल्यू नहीं है उसका वैल्यू नहीं है सबसे पुराने से पुराना होने के बावजूद भी उसका वैल्यू कुछ नहीं है। हाँ वैल्यू क्यों नहीं है? वैल्यू इसलिए नहीं है कि जो लिंग है वो लिंग की कोई वैल्यू नहीं। लिंग किस बात की यादगार है? शरीर की। वो शरीरधारी की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब होती है? जब शिव उसमें प्रवेश करे। तो भक्ति मार्ग में जो लिंग है वो तो चैतन्य भी नहीं है, वो तो जड़ पत्थर है। उसमें तो चैतन्य शिव के प्रवेश करने का कोई मतलब ही नहीं, तो उसकी तो वैल्यू का सवाल ही नहीं। लेकिन जो चैतन्य लिंग है उस लिंग की भी कोई वैल्यू नहीं अगर उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश न करे। और ये क्या चलता मतलब माता कन्या का अलग से बारह राशि है ठीक है बारह जो राशि है बारह जो राशि है राशि बारह उस राशि में माता कुनाओं का भी पाठ है क्या अलग से बारह राशि तो देवान यहाँ सारी आत्माओं की बात होती है या माता और पुरुष की बात होती है? ज्ञान में सारा ज्ञान का जो डोज है वो आत्मिक आधार पर है न कि स्त्री पुरुष के आधार पर है, आत्मिक आधार पर है। आत्माएं बारह किस्म की हैं टोटल मिला के, सारी दुनिया की आत्माओं की कैटेगरी कितने प्रकार की है? बारह प्रकार की है। चाहे वो सूर्यवंशी आत्माएं हो, चाहे चंद्रवंशी आत्माएं हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, बौद्धी वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, कोई भी वंश की कोई भी धर्म आत्माएं क्यों न हो, कोई भी धर्म में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं क्यों न हो, लेकिन वो बारह भागों में बांटी गई है जिससे माला बनती है। बारह ने मैं 108 इसलिए बारह कैटेगरीज में सारी दुनिया की आत्माओं को विभाजित कर दिया गया है। हाँ जी बाबा को यमुना किनारे कदम से पेड़ से भी ग्रह झुकते क्यों दिखाया गया है? कृष्ण को यमुना किनारे कदम के एक पेड़ पर झुकते दिखाया गया था। कदम्ब के पेड़ पर झूला झूलते दिखाया गया, झूला झूलते भी दिखाते हैं। कदम्ब के वृक्ष पर वो कपड़े भी लेकर के चढ़ जाते हैं। कदम्ब जो वृक्ष है वो अम्ब है शब्द उसमें क्या, और कदम शब्द भी है। क्या शब्द है? कदम्ब। जो कदम रखा है जिस वृक्ष पर वो मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है, कोई दूसरा वृक्ष नहीं है। और कदम कोई इस पांव को नहीं कहा जाता, ये बुद्ध रूपी पांव की बात है। और
चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का बिछड़ा हुआ हिस्सा है, पृथ्वी से टूटा हुआ हिस्सा है। जब अर्ध विनाश होता है त्रेता के अंत में, तो पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूट करके पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। उस टूटे हुए हिस्से में से जो जल का भाग है वो पृथ्वी की ओर खींच जावेगा या चंद्रमा की ओर जावेगा? हाँ, पृथ्वी की ओर खींच जाता है। तो कहते हैं कि सागर की गहराई को आज तक कोई नाप नहीं पाया है। इसका मतलब सागर में बड़े बड़े गहरे गहरे गड्ढे हैं, वो गड्ढों सहित हिस्सा प्रशांत महासागर का वो टूट करके चंद्रमा बन गया। और दूसरे ग्रह उपग्रहों के आकर्षण के आधार पर वो गोल हो गया। उसमें जो गहरे गहरे गड्ढे हैं वो ही धब्बे दिखाई देते हैं। ये तो हुआ हद की बात, अब बेहद की बात है ज्ञान चंद्रमा की। ज्ञान चंद्रमा बेसिक नॉलेज में तो भगवान मान लिया गया, जब एडवांस नॉलेज के बतौर मनन चिंतन मंथन किया जाता है तो भगवान साबित होता है या शैतान रावण साबित हो जाता है? तो रावण में गहरे गहरे गड्ढे होंगे, धब्बे होंगे, कलंक होंगे या नहीं होंगे? तो वही कलंक दिखाई दे। अभी जो मरते हैं, जो मरते हैं अभी जो मरते हैं किस कारण के हो? रोग भोग सो गया जिस कारण के हो, उसको धर्मदास का सजा कहेंगे या वो जब पुनर्जन्म में आएंगे तो फिर धर्मदास का सजा कहेंगे? वो दुनिया में लोग समझते हैं कि जो मरते हैं वो धर्मराज के यहाँ जाते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। ये तो अंत समय की बात है, जब धर्मराज की सजाएं चालू होंगी तो सारी दुनिया के लिए चालू होंगी। हर जन्म जन्म मरते रहते हैं वो कोई धर्मराज की सजाएं नहीं है। आखिरी जन्म में अंत में जाकर के सबको धर्मराज की सजाएं मिलेगी। जो जितना सजा खाने का पात्र बनेगा उतना उसका पद नीचा हो जाएगा, कम सजाएं खावेगा तो ऊंच पद पावेगा। तो ये ऊंच और नीचा पद प्राप्त कराने की जो टाइम है वो संगम युग का अंत समय है। अभी जो मर रहे हैं वो कोई धर्मराज की सजा नहीं खा रहे हैं, वो तो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। जब तक आत्मिक स्थिति जीवन मुक्ति स्थिति आएगी तब तक भक्ति मार्ग की कर्मकांड रखना जरूरी है। जरूरी है ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे आत्मिक स्थिति के आधार पर भक्ति मार्ग चलता है या भक्ति मार्ग के आधार पर हमारी आत्मिक स्थिति बनेगी? है आत्मिक स्थिति के आधार पर कर्मकांड और भक्ति मार्ग स्वतः ही नष्ट हो जाएगा।
भक्ति मार्ग को हमें आगे नहीं रखना है, भक्ति मार्ग को हम मुर्दाबाद करते जाएं। कर्म कांड की दुनिया, भक्ति मार्ग की दुनिया स्वतः ही खलास हो जाएगी। और मनसा वाचा कर्मणा जब तक जीवन मुक्ति स्थिति नहीं आएगी तब तक किया हुआ पाप मिटेगा नहीं, तो ठीक है। और बाबा सतयुग और कलयुग में युग शब्द जुटा हुआ है, है? सतयुग और कलयुग में युग शब्द जुटा हुआ है, क्या युग युग जुटा हुआ है, है? और द्वापर त्रेता में युग शब्द नहीं जुटा हुआ है। किसने कहा ऐसे? तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे बोला है। जोड़ो तो जुड़ा हुआ है, न जोड़ो तो न जुड़ा हुआ है। युग कहते हैं काल की लंबाई को, सतयुग भी है, त्रेता भी है, द्वापर युग भी है, कलयुग भी है। ऐसे तो बोलने में तो नहीं आता। क्यों नहीं बोलने में आता है? तुम बोलोगे तो आएगा, नहीं बोलोगे तो नहीं आएगा। समझने में तो आ ही जाएगा। ये युग शब्द है काल की लंबाई के लिए कहा गया है, कल्प शब्द काल की लंबाई के लिए कहा गया है, वर्ष शब्द काल की लंबाई के लिए कहा गया है, महीना काल की लंबाई के लिए कहा गया, सप्ताह काल की लंबाई के लिए कहा गया, दिन काल की लंबाई के लिए कहा गया, घंटा मिनट सेकेंड ये काल की लंबाई का नाम है, अलग अलग नाम है। बड़े से बड़े काल की लंबाई का नाम है कल्प। और परेशो इसी हिसाब से जोड़ा जाएगा जिस हिसाब से त्रेता युग में सतयुग के मुकाबले बढ़ोतरी हो जाती है। कितनी बढ़ोतरी हो जाती है, कितनी गुनी हो जाती है, है? सतयुग के मुकाबले त्रेता युग में बढ़ोतरी कितनी हो जाती है, है? पांच गुनी। जो द्वापर है वो द्वैतवादी युग है, तो वहां जनसंख्या पांच गुनी ही बढ़ेगी और कई गुनी बढ़ जाएगी, कई गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि त्रेता में तो विकार होते ही नहीं है और द्वापर युग में तो विकार होते हैं। त्रेता में तो द्वैतवाद होता ही नहीं है, द्वापर में तो द्वैतवाद शुरू हो जाता है। द्वापर का अंत आते आते हर धर्म में से दो दो छेड़े शुरू हो जाते हैं। इस्लाम धर्म दो भागों में बट जाता है, बौद्धी धर्म दो भागों में बट जाता है, क्रिश्चियन धर्म भी दो भागों में बटने लगता है। जो मुख्य मुख्य धर्म है वो द्वैत भाव को पकड़ लेती है, तो जितना खंडन होता जाएगा उतनी जनसंख्या भी बढ़ती जाएगी। कलयुग में ये खंडन सबसे जास्ती होता है, खास करके कलयुग अंत में एक ही परिवार के अंदर अगर 10-15 सदस्य हैं तो सबके मते अलग अलग, एक सदस्य एक पार्टी को वोट देगा, दूसरा सदस्य दूसरी पार्टी को वोट देगा, तीसरा सदस्य तीसरी पार्टी को वोट देगा,
तुंडे तुंडे मत्र बनना, तो जनसंख्या भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है। बाबा हम आत्माएं बाप को पहचान कर याद करते हैं, उस समय इतना पावरफुल नहीं बनते, लेकिन जो आत्माएं अकाले मौत में चली जाती हैं, वो इतना पावरफुल कैसे हो जाती हैं? जबकि बाप को पहचानती ही नहीं। जवाब है, है? शरीर का भान नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर का भान रहता। हाँ, सूक्ष्म शरीर ताकत, सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है, हम तो स्थूल भाव में ही बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे में इतनी शक्ति अनुभव नहीं होती है। हाँ, जब हम बीज रूप स्टेज को 24 घंटे धारण कर लेंगे तो हम उनसे ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। अभी हमारी बीज रूप स्टेज बनती है, बनती है तो मुश्किल से 1-2-5 मिनट, तो कहां 1-2-5 मिनट और कहां उनकी लगातार सूक्ष्म शरीर की स्टेज, तो ज्यादा पावरफुल होगी। उदाहरण के लिए राम की आत्मा साकार शरीरधारी या सूक्ष्म शरीरधारी? साकार शरीरधारी। और कृष्ण की आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी? कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा का पार्ट बजाती, ब्रह्मा बैल का पार्ट। अभी बैल के ऊपर शंकर सवार है या शंकर के ऊपर बैल सवार है? क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर ज्यादा पावरफुल है, और जो राम वाली आत्मा है वो किसका के याद में बैठेगी? तो निराकारी स्टेज में है, और नहीं तो नहीं है। तो ये तो संपन्न स्टेज नहीं है। संपन्न स्टेज हुआ है जो कम कार्डे दिलियारे कर्म भी करते रहे कर्मेंद्रियों से, फिर भी स्टेज निराकारी बनी रहे, निसंकल्प स्टेज बनी रहे। जब ऐसी स्टेज बनेगी तो शंकर छलांग लगा के, हाई जंप लगा के बैल पर सवार हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर उतना पावरफुल नहीं रहेगा कृष्ण वाली आत्मा का, राम वाली आत्मा पावरफुल हो जाएगी, वो रचयिता की स्टेज बन जाएगी और वो रचना की स्टेज बन जाएगी। अर्धविनाश की जरूरत क्या है? जबकि आत्माएं कलयुग की तरह इतनी तमो प्रधान नहीं हुई है, मतलब ये है पूछने वाले का कि त्रेता के अंत में जैसी सृष्टि चल रही है वैसी ही सृष्टि चलती रहे, ये संभव है? क्यों? नहीं, बाप के द्वारा जो प्राप्ति है रूहानी बाप के द्वारा, वो 21 जन्मों की लिमिट है,
उससे जास्ती लिमिट नहीं है। निराकार राम बाप की प्राप्ति है, निराकार बाप की प्राप्ति है, रूहानी बाप की प्राप्ति है। वो प्राप्ति किस जन्म के बाद खलास हो जाती है आत्मिक स्थिति की। कौन सी स्थिति शुरू होती है? देहवान की स्थिति शुरू होती है। उसमें देह के अंदर कर्मेंद्रियों में विकृति आ जाती है। जब कर्मेंद्रियों में विकृति आएगी तो कर्मेंद्रियों से विकर्म होंगे या नहीं होंगे? पाप कर्म शुरू हो जाता है, जानवरों की दुनिया शुरू हो जाती है, राक्षसी दुनिया का सूत्रपात हो जाता है, जोर जबरदस्ती वाली दुनिया शुरू हो जाती है। तो पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? बिगड़ जाता है, पूरा नहीं बिगड़ता। जैसे तराजू है, तराजू में एक तरफ बहुत वजन रख दिया जाए तो पूरा परिवर्तन हो गया। अब बहुत वजन नहीं रखा गया, थोड़ा रख दिया, द्वापर तो शुरू हुआ लेकिन विकारों की जोर शोर से शुरुआत हो गई या सात्विक स्टेज में शुरुआत हुई? विकारों का आक्रमण तो होता है लेकिन सात्विक स्टेज में होता है। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है, सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तमो। तो द्वापर के आदि में विकारों की दुनिया तो शुरू होती है लेकिन कैसी दुनिया? तमो प्रधान दुनिया तो है लेकिन कौन सी स्टेज वाली? सतो प्रधान स्टेज वाली। तो इसलिए थोड़ा वजन आता है। तो तराजू में जब एक पलड़े में थोड़ा सा वजन आएगा तो नीचे ऊपर होगा कि नहीं होगा? नीचे ऊपर थोड़ा समय होगा और फिर क्या होगा? अब जाएगा। ऐसे हुआ, वो होना जरूरी है। नहीं तो कर्मों का फल नहीं मिलेगा। जो जैसा करा है तो तसा फल चाका। ज्यादा विकारों में गिरेंगे, ज्यादा हिंसक बनेंगे, ज्यादा दुख देंगे तो ज्यादा दुखी होंगे अगले जन्म में। कम दुख देंगे तो अगले जन्म में कम दुखी होंगे। ऐसे करते करते आखिरी त्रेसठवें जन्म में जाकर के सारा बैलेंस इकट्ठा हो जाता है पाप और पुण्य का। तब तो देने का बैलेंस ज्यादा होगा, वो तो ये पुरुषार्थ कर ही नहीं सकेंगे, उनको भाग्यशाली आत्मा नहीं कहेंगे। भाग्यशाली वो है जो जन्म जन्मांतर दूसरों को विकारी होने के बावजूद भी सुखी करने के प्रयत्न में लगे रहे हैं। वो भगवान बाप को पहचानते हैं, पहचान करके पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करके मनुष्य देवता बनते हैं। दूसरे तो बने ही नहीं पाते, इसलिए आदिविनाश होना जरूरी है ताकि सारी परंपराएं स्वर्ग की और नरक की पलट जाएं। स्वर्ग की परंपरा अलग और नरक की परंपरा अलग। बाबा हम चलाने लगे, उसका बाद फैल हो गया, फिर चलाते नहीं जाने की।
चला रहे हैं, चलाएंगे।